आज हमारा स्पेशल सेशन रहेगा घुटने के लिए। अब घुटना ऐसा चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, डांस में, पूजा में, और सिर पे वजन उठाएंगे तो भी भार घुटनों पर ही आता है सबका। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझो और ध्यान से करो। सबसे पहले तो हम आते हैं हमारी किचन, हमारी लैब में। मेथी सबके घरों में रहती लगभग, और जिस घर में मेथी रहती है वो मेथी कहती है कि मैं घर में हूँ तो आप बीमार मत हुई। मेथी बहुत पावरफुल है, समझ गए ना आप। तो मेथी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, वो मेथी को रात को भिगो के ले सकते हैं। पानी में भिगोने के बाद उसका सिम्टम चेंज हो जाता है, फिर सुबह उठ के उसको चबा चबा के खाइए, फिर वही पानी पी लीजिए। और जिनको हीट नहीं है, गर्मी नहीं है, तो आप उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। क्या करती है मेथी? मेथी बहुत चिकनी होती है, जब आंतों में जाती तो और फूलती हो, चिकनाहट होती है, फूलती है तो पेट साफ होना शुरू हो जाता है। और पेट साफ होता है उसके अलावा भी, और जिनके घुटनों की हड्डियाँ घिस गई, जब हड्डियाँ घिस जाती ना तो मेडिकल साइंस भी वहाँ काम नहीं कर पाती, हड्डियाँ घिसने पर बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विजय सार लकड़ी आती है, विजय सार नाम, आयुर्वेद की दुकान पे आपको विजय सार लकड़ी का पाउडर मिल जाएगा या विजय सार लकड़ी। अगर आपको पाउडर मिलता है, कांच का ग्लास लीजिए, उसमें एक चम्मच पाउडर डाल दीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह कॉटन कपड़े से छान लीजिए, अच्छे से छान लीजिए, फिर रात नॉर्मल 12 घंटे के बाद उस पानी को सुबह पीजिए और सुबह वाला पानी शाम को पी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको घुटने में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे, घुटने के दर्द वालों को वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए, क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए, दोनों पैर नीचे रहना चाहिए सामने, जब बैठे तो भी पैर ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, पैर दोनों खुले होने चाहिए, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े हम बोतल से पानी पीते तो हवा भी अंदर जाती है, वायु भी जाती है, इसलिए पानी पीने का सिस्टम क्या है, बैठ कर पियो और सीप सीप पियो। पुरुषों ने यह कहा है खाने को पियो और पानी को चबाओ। अब कैसे खाने को कैसे पियोगे? खाने को इतना चबाओ वो लिक्विड बन जाए, और पानी को पूरे मुंह में घुमा के फिर गले उतारो। हम लोग कहीं जाएंगे, समझो आप कोई यात्रा में गए, पानी की एक एक बोतल मिली है तीन तीन के बीच में, अब तीन जन को पीना है, दूसरा आदमी लगा नहीं मिला, घट घट डक 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 पूरा खाली कर देंगे, लेकिन वो पानी नुकसान कर, पानी सिप सिप पीने पर पानी बहुत फायदा होता है। खाना खाते ही तुरंत पानी मत पियो, बहुत से लोग खाना खाते ही पानी पीते हैं, उनका भोजन सड़ता है, पचता नहीं है। जैसे बहनों को अच्छी तरह मालूम है, जब चावल पक रहे हो टॉप के अंदर और पकते हुए चावल में एक ठंडा ग्लास का पानी डाल दो, क्या होगा? उसकी आँच कम हो जाएगी। जब हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि उद्दीप्त होती है, और जब जठराग्नि प्रज्वलित होती है और आप पानी पियोगे तो वो मंद हो जाएगी उसकी आँच। इसलिए ये कहा गया है खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हिचकी आ गई या कुछ उलझ गई तो पानी रखो साथ में, एक घूंट ले सकते हो, बीच में एक घूंट ले सकते हो, लेकिन तुरंत खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने से पहले भी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाने से पहले आपको पानी पीना तो 40 मिनट पहले पियो, समझ गया ना। तो इससे भी हमारी पाचन क्रिया सही होती है, तो जॉइंट्स वगैरह की तकलीफ नहीं होती है कि वायु नहीं बनती इससे। अब इसके अलावा आपको मैं कुछ प्रयोग बताऊंगा घुटने के लिए। दोनों पैर सामने फैला दीजिए, घुटने की जो ढकनी है जिसे नी कैप कहते हैं उसको प्रेशर के द्वारा ऊपर खींचो, होल्ड करो, दो में ढीला छोड़ो, एक दो, एक ऊपर खींच के रुक जाओ, थोड़ी सी ऊपर सरकेगी ढकनी, दो ढीला छोड़ो, अगर ऐसा नहीं जमता तो हाथ रखो पीछे, अब खींचो इसको, दो ढीला छोड़ो, एक दो, एक। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है घुटनों के दर्द के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, और एक दो। अब घुटने की ढकनी को पकड़ो आप,
और गोलाकार घुमाओ। उल्टी दिशा में अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, घुटनों के नीचे स्थापित, दोनों पैरों को उठाओ, हलन चलन बंद। देखिए ऐसे मुट्ठी रखो, वजन पूरा मुट्ठी के ऊपर आना चाहिए और एड़ी से पैर को उठाओ तो उठेंगे, घुटनों के नीचे अच्छा प्रेशर आएगा। अब ऊपर नीचे करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज गुड्डे की टकने को देखो, आगे दो गड्ढे आगे की ओर, पीछे दो गड्ढे हैं, तो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को ऐसे रखो, तीन अंगुलियां बैंड कर दो, आगे वाले गड्ढों पर इंडेक्स फिंगर रखो, पीछे वाले पर अंगूठा रखो। अब तीन अंगुलियां पैरों के नीचे से गुड्डे के नीचे निकाले और इसको रगड़ते हुए नजदीक लाइए, एक दो तीन चार पांच, फिर दूसरे पैर से करो सेम, एक दो तीन चार पांच। इस तरह ये छोटी छोटी एक्सरसाइज बेहद इफेक्टिव है। इसके अलावा लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, ये भी घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। लेफ्ट पैर को नीचे जाना दें, राइट को अंदर खींचे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, दो राइट आगे लेफ्ट पीछे, एक दो एक दो। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और कर सकते हो आप, पैर को फोड़ दो राइट पे, अंगूठे के पास पहले अंगुली फिर दूसरी अंगुली और तीसरी अंगुली, यानी अंगूठे से काउंट करोगे तो तीसरी और चौथी अंगुली को बीच वाले पैरों को पकड़ो, अगर आपसे ये नहीं उठता डायरेक्ट तो यहाँ से स्पॉट करो, हाथ का सहारा दे सकते हो, और अगर उठता तो डायरेक्ट नहीं तो इसे सहारा भी दे सकते हो, उंगलियों पर अच्छा प्रेशर दो, दबाओ उंगलियों को जोर से, और यहाँ सहारा दे सकते हो, जिनसे नहीं जम रहा वो सहारा दे सकते हैं, रुको थोड़ी देर, धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे पैर से अंगूठे से काउंट करो, वन टू, तीसरी अंगुली फिर चौथी अंगुली के बीच वाले पोरों को दबा के पकड़ो, और आपको लग रहा है कि मेरा हाथ उतना वजन सेव नहीं करता तो यहाँ स्पोर्ट दो, ऐसे इस तरह सारा देके फिर छोड़ दो। उंगली में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे नीचे सारा देके रखो, जिनके घुटनों में दर्द होगा तो उंगली में दर्द हो, एक बार और करते हैं, यस, इसे अंगूठे का उपयोग करो, अंगूठे और दो उंगलियों का उपयोग करो, बीच वाला पोरवा, यस। तो अच्छा प्रेशर, उंगली के ऊपर अच्छा प्रेशर दें, बहुत अच्छा कर रहे, दबाए रुके, धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पैर से पकड़े बीच वाले उंगलियों के पोरों को, यस, सारा दे सकते हैं, बैलेंस नहीं बन रहा तो, धीरे धीरे नीचे। हाँ, किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें, हो सकता है अगर खींचा हुआ या अगर राइट में खींचा हुआ आया तो थोड़ा बॉडी को ऐसे घुमा, लेफ्ट साइड लेफ्ट में आया या फिर यहाँ से पकड़ो इसको और ऐसे करो, पीछे मिलाओ, अचानक चमक आ जाए जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, तो ऐसे कर दीजिए। इस तरह ये छोटे छोटे प्रयोग करने पर
आप घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। वैसे अनेक टेक्निक है और हर टेक्निक आपको अलग अलग ढंग से बताई जाती है। एक और बताता हूँ आपको, हाथ को खोलो, राइट हैंड की 3 अंगुलियाँ इसको बैंड करना है और इन 2 अंगुलियों को पकड़ो ऐसे। अब इसको घर्षण करते हुए बाहर निकालो, ऐसे निकालो। सोना चांदी हीरा मोती पन्ना की अंगुलियों का मोह छोड़ना पड़ेगा। यस निकालो। अच्छा घर्षण होना चाहिए, घर्षण इन दोनों उंगलियों पर अच्छा घर्षण होना चाहिए। हाँ अच्छा पकड़ के खींचो। 5 बार करो, इस तरह करेंगे तो अच्छी राहत मिलती है। अब लेफ्ट हैंड में करो, अच्छा प्रेशर आना चाहिए। देखिए इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से पकड़ना है। अब जैसे मैं देखो ये लेफ्ट हैंड में कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 उंगलियाँ पहले यहाँ फंसा दो, फिर बेंड करो, फिर निकालो। इस तरह अगर आप नियमित दिन में 3 बार 5 बार 10 बार करते हैं, करने के बाद ऐसे दबाओ तो आपकी उंगलियाँ बैलेंस हो जाए। करने के बाद दबाना है ऐसे। इस तरह ये प्रयोग करके आप घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं।